अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करेले। तो ये करेले मैंने साफ करके धो के काट ली हैं और इसको आप जो है पानी निचोड़ लें इसका। और ये चिकन पहले से तैयार है, जो घर में बच जाता है सालन वगैरह, चिकन गोश्त कुछ भी कीमा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको हम यूज़ करेंगे करेलों में। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ये करेले, चूल्हा ऑन कर दें और ये डालेंगे अब हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें एक कप ऑयल डाल के इसमें हमने करने हैं फ्राई। करेले डाल दिए हैं, अभी इनको फ्राई करते हैं और इसमें डालते हैं हरी मिर्ची। हमने जो है 3, 3, 6, 7 हरी मिर्चें साबुत ये डाल दें इसमें और इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने का जो टाइम है इसमें फुल आंच पर, इसको लगेंगे 6 मिनट पूरे फुल आंच पर। तो इसको फ्राई करते हैं। हमने अब फ्राई कर लिए, अब इसमें हमने 2 अदद नींबू निचोड़ने, 2 अदद हाँ नींबू का रस निचोड़ दें इसके अंदर। 2 अदद नींबू ये जा रहे हैं इसके अंदर और इससे बहुत अच्छे क्रंची भी बनेंगे, कड़वे भी नहीं होंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, लेमन भी डाल चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें तकरीबन, हाँ इसमें डालेंगे प्याज जो है 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इसमें जो है वो आधी गठी जो है वो लहसुन की और छोटा टुकड़ा जो है अदरक का भी शामिल है, छोटे छोटे पीसेस किए हैं मैंने। तो ये डालो 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 शाबाश, छोटा बच्चा है हमारा, ये डाल रहा है, ये भी शौकीन है कुकिंग का, सीख रहा है अभी। हाँ सारे बस बस थोड़ा डाल दो, बस 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 बेटा बस। ठीक है, इसका जब पानी निकल जाएगा ना प्याज का, फिर उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल के मसाले डाल देंगे। प्याज हमने फ्राई कर लिए साथ, तो अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। 1 खाने का चम्मच है खुश्क धनिया पिसा हुआ ये डाल दिया, और 1/2 खाने का चम्मच है लाल मिर्च और हल्दी, 1/2 खाने का चम्मच और गरम मसाला, 1/2 खाने का चम्मच और नमक 1/2 खाने का चम्मच ये डालना है। अच्छा साथ बता दूं, क्योंकि हमने ये चिकन ये जो रखा हुआ है घर का बना हुआ ये रखा हुआ है, इसमें सारे नमक मिर्च वगैरह डाले हुए हैं तो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए टेस्ट करके आप डालिएगा। और अब हमने चिकन साथ ये डाल देना है और इसको फ्राई कर लेना है। 2 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई कर लिया है, तो अब डालेंगे इसमें टमाटर, ये 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर हैं कटे हुए, ये डाल दें और इसको, ठीक है, और इसके बाद ये मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे दम पर तकरीबन 6 मिनट के लिए, हल्की आंच पर इसको दम पे रख देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये हमारे करेले रेडी हो चुके हैं, आप रोटी के साथ मज़े लेके खाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।